सत्य की स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान को 24 रूपों में आना पड़ा, जिसमें 23 रूप में आ चुके हैं, एक रूप अभी बाकी है। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार का उल्लेख मिलता है। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा रूप है वाराह, वाराह। वाराह जानते हैं? वाराह भगवान जानते हैं? जिन्होंने वाराह भगवान का अवतार किस लिए हुआ? पृथ्वी को स्थापित करने के लिए, हिरण्याक्ष को मारा वाराह भगवान। बोलिए वाराह भगवान की जय जय जय। नारद जी तीसरे अवतार, भगवान नारद जी। नारद जी भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। आप लोग कीर्तन करते हैं अपने? आप में से कितने लोगों के घर में नित्य कीर्तन होता? देखो, आप रोज घर में कीर्तन करो मेरी माँ। लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जिस घर में नित्य कीर्तन होता है, नारद जी क्या करते हैं? जोर से, केवल कीर्तन। मैया नींद आ गई मेरी माँ को, ऐसे ऐसे भाव खेल रही है मैया। तो नारद जी हमेशा कीर्तन करते हैं। जिसके घर में बेटा बेटी, पति पत्नी, दादा दादी सब बैठो 10 मिनट 20 मिनट के लिए, कीर्तन करो। जहां नित्य कीर्तन होता है, वहां कभी किसी भी प्रकार की अशांति, उनके जीवन में कोई संकट, कोई बाधा, लक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती। जहां कीर्तन है, वहां साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य करती हैं, नाचती हैं। वहां लक्ष्मी जी का वास होता है जहां कीर्तन। इसलिए आजकल आप लोगों को ना भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है बस, बाकी सब जगह आप जा सकते हैं। आजकल के लोगों से कहो भैया कीर्तन करो, सारा दुख चला जाए। महाराज जी कोई मंत्र दे दो, कोई बताओ, उपाय बताओ। क्या उपाय बताएं? कुएं में कूद जाओ, इससे बढ़िया क्या उपाय है? सारे दुखों से एक बार में मुक्ति। भगवान पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। ये कलयुग है ना मेरी मां, आजकल लोगों को विश्वास ही नहीं। और विश्वास ना होने से आप लोग इतना दुख उठा रहे हैं। आप में से कितने लोगों को भगवान के नाम पर विश्वास है? है तो क्यों नहीं करते अपने घर में 20 मिनट कीर्तन? समय निकालो ना, चाहे सवेरे या दोपहर शाम, सब परिवार बैठो, पति पत्नी सब बैठो, और 10 मिनट के लिए प्रेम पूर्वक आनंद से भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन कीर्तन ना बिल्कुल भाव से करना चाहिए। जब राम का नाम लो तो ऐसा भाव हो कि आपके सामने बिल्कुल राम जी खड़े हैं। जब नारायण का नाम बोलो तो ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान नारायण आपके सामने खड़े। जब श्री कृष्ण का नाम लो तो ऐसा बिल्कुल भाव होना चाहिए।